नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, निर्माता निर्देशक फिरोज नाडिया द्वारा अपनी फिल्म हेरा फेरी 3 तथा वेलकम 3 की तैयारियों में जोरों शोरों से जुट गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उनकी फिल्म हेरा फेरी 2000 में आई थी और फिर हेरा फेरी का जो अगला पार्ट फिर हेरा फेरी 2006 में आया था और दोनों ही पार्ट ब्लॉकबस्टर साबित हुए थे। काफी जबरदस्त ये आइकॉनिक मूवी है और इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी तथा परेश रावल की जो केमिस्ट्री है, जो कॉमेडी है, बहुत ही लाजवाब रही थी, बहुत ही जबरदस्त रही थी। तो दोस्तों, इस फिल्म से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स ये आ रही है कि फिरोज नाडियाडवाला ने इस फिल्म के लिए आनंद पंडित से कोलैबोरेट किया है और फिल्म की स्क्रिप्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है और जल्दी ही इन दोनों फिल्मों की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। वेलकम में भी आपको पता है कि अनिल कपूर, नाना पाटेकर जैसे सितारों ने काम किया है, तो ये फिल्म भी काफी जबरदस्त बनने वाली है। तो इसका भी सिक्वल जल्दी ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला है। वेलकम 3 का जबरदस्त कॉमेडी फिल्म है और हेरा फेरी 3 की भी जल्दी ही अनाउंसमेंट की जा सकती है क्योंकि स्क्रिप्ट इसकी कंप्लीट हो चुकी है और वही पुरानी वाली स्टारकास्ट इसमें वापस दोहराने की मतलब चर्चा जोरों पर है कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल जैसे कई सितारे इसमें काम में मतलब काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा और किसी नए कलाकार की एंट्री होती है या नहीं होती है, इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं आ पाई है, लेकिन जल्दी ही इसके बारे में भी कुछ जानकारी सामने आ जाएगी। फिलहाल लेटेस्ट रिपोर्ट यही है कि इस फिल्म को जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि अक्षय कुमार के बर्थडे यानी कि 9 सितंबर को इस फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं की जाएगी क्योंकि अभी मेकर थोड़ा और टाइम इस फिल्म को देना चाहते हैं ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने के लिए। पहले ये खबरें आ रही थी कि 9 सितंबर को अक्षय कुमार का बर्थडे है, तो अपने बर्थडे पर अक्षय कुमार हेरा फेरी 3 की घोषणा कर देंगे, अनाउंसमेंट कर देंगे, लेकिन अभी जो ताजा खबर है उसके अनुसार थोड़ा और टाइम फिल्म के मेकर्स को चाहिए इसकी घोषणा करने के लिए, अनाउंसमेंट करने के लिए। लेकिन इतना तय है कि फिल्म की स्क्रिप्ट लगभग कंप्लीट हो चुकी है और फिरोज नाडियाडवाला आनंद पंडित के साथ इस फिल्म को मतलब तैयार करेंगे, बनाएंगे और उनके साथ उनका कोलैबोरेशन हो चुका है। तो दोस्तों, वेलकम 3 तथा हेरा फेरी 3 जैसी शानदार मूवी, शानदार कॉमेडी मूवी जिसका सब इंतजार कर रहे होंगे, वो जल्दी ही आपको देखने को मिल सकती है। और हेरा फेरी 3 के तो हेरा फेरी की जो फ्रेंचाइज है उसके तो कई पार्ट्स बनाए जाएंगे, ऐसी जानकारी फिरोज नाडियाडवाला ने दी है कि इसके हेरा फेरी 4, हेरा फेरी 5 आगे के भी कई पार्ट्स बनाए जाएंगे और उनको भी काम शुरू कर दिया है। मतलब अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा हेरा फेरी 3 के बाद में, हेरा फेरी 4 और हेरा फेरी 5 के लिए आपको इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जल्दी जल्दी आपको इसके सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। लगातार स्क्रिप्ट पर काम जारी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको इन दोनों फिल्मों का कितना इंतजार है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।